Hi guys, welcome to our stay for tonight. This is Sunshine Himalayan Cottage, which is on the riverbank of Tirthan Valley. I'm going to give you a quick tour of our beautiful Himachali traditional stone house. ये है common area और हम लोगों ने book किया है सबसे ऊपर वाला floor क्योंकि इसी से top floor से ही सबसे बढ़िया वाला view मिलता है. So this is the common area. यहाँ पे आप लोग चाय या कॉफ़ी पी सकते हो एंड यू कैन एन्जॉय हियर. देखो कितना स्पेशियस है और ऊपर से बहुत लाइट्स भी आता है क्योंकि ये सब ग्लास से बनी है ऊपर. देखो एंड जो रूफ़ है, रूफ़ इज़ मेड विद प्योर वुड और ये जो वॉल्स है, जो वॉल्स दिख रहा है आपको, दिस इज़ मेड विद स्टोन्स. नाउ लेट मी टेक यू गाइज टू आवर रूम. सो दिस इज़ आवर एंट्रेंस डोर. सो एज वी ओपन द डोर, सो कूल एंड कम्फर्टिंग वाइब मिलता है जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं रूम के भीतर. दरवाज़ा को कर देती हूँ बंद. ये वॉल जो है, एक साइड वॉल इट इज़ मेड विथ मड, अंदर होगा सीमेंट लेकिन बाहर का जो डेकोरेशन है ये मड से बनी है. दिस इज़ आवर बेड. ये बेड है और ये बैक साइड भी, ये भी मड है. With the two beautiful antique lampshades, ये traditional hand woven है और दो side tables है. They also give you a welcome drink. Baby, one for you. Thank you. Cheers. So सबसे पहले ये पी लेती हूँ. Ah, so sweet. Moving on, ये है एक closet और दो yoga mat भी है. And if you need extra pillows and extra comforters, blankets, यहाँ पे extra दी है, which is a very good thing. कभी कभार एक blanket से नहीं होता है. ये है bathroom. It is well clean, बहुत अच्छे से maintain की है और एक बहुत अच्छा वाला vibe आ रही है. देखो इसमें भी कुछ traditional art है walls में. Wall का print है, ये textured वाला print है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. यहाँ भी आप सामान स्टोर कर सकते हो. ये जो रूम है, रूम के हाफ पोर्शन इज लेयर्ड विद मड एंड द रेस्ट पार्ट इज डेकोरेटेड विद स्टोन. ये टेक्सचर्ड वाला मार्बल है, देखो कितना हिमाचली टच, वुडन टच. ये है एक हैंगर जहाँ पे आप लोग कपड़ा हैंग कर सकते हो. ये सब मॉडर्न दुनिया में इतना नहीं दिखता है. ये गांव गांव में इस टाइप का ही वुडन का एक फ्रेम बनाते हैं लोग, पेड़ से काट के थोड़ा सा कुछ लगा देते हैं हैंगर और बन जाता है हैंगर. दे डोंट हैव एनी क्लोजेट, दे ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ यू नो हैंगर्स. और एक सोफ़ा है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा सामान रखी है. फ्लोर भी वुडन है और इसका रूफ भी वुडन है. आई जस्ट लव द फैक्ट दैट इनका एवरी कॉर्नर में हिमाचली टच है. ये देखो, ये भी हिमाचली प्रिंट है, हिमाचली प्रिंट. और वो जो मैंने दिखाया था लैम्प शेड्स, उधर भी हिमाचली हैंड वीवन प्रिंट है. ये माइनर डिटेलिंग आप देखो, इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है. वेल एज आई वॉज टेलिंग अबाउट द माइनर डिटेलिंग ऑफ दिस यू नो आर्किटेक्चर, आई हैव ऑल्सो नोटिस दिस. आई मीन लुक एट द बिन इज ऑल्सो मेड विद बैम्बो. ये भी हैंडमेड है. यू नो होटल्स में इस टाइप का टच नहीं मिलता है. आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ एनीथिंग विच इज़ ट्रेडिशनल, एनीथिंग विच इज़ ऑथेंटिक. और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि नहीं. मड हाउस, स्टोन हाउस, ट्री हाउस, कॉटेजेस इन जंगल. तो दिस ट्रिप डेफिनेटली हैज़ टू बी वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरेबल ट्रिप एवर. एवरी ट्रिप इज़ मेमोरेबल इन वन वे और द अदर, लेकिन ये जो ट्रिप है इसीलिए खास है क्योंकि हम लोगों के आज एनिवर्सरी भी है एंड वी आर गेटिंग सच पीसफुल एनवायरनमेंट. और क्या चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ये ट्रिप का, जो भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट. कमिंग टू आवर फेवरेट पार्ट, आर बैल्कनी. मेरा जो मोटिव था वॉज दैट द आवर रूम हैज़ टू बी ऑन द रिवर बैंक साइड एंड इट हैज़ टू हैव अ ब्यूटिफुल बैल्कनी व्यू. एंड मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, द बैल्कनी इज सो वाइड. ये स्लाइडिंग डोर है. एज आई ओपन द डोर यू गेट टू सी दिस अमेजिंग मेस्मराइजिंग थ्रिलिंग व्यू, माउंटेन व्यू.